मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि मतलब इलेक्शन इधर से उधर जा रहा है, तो वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये पहला चुनाव नहीं है, 2014 में, 2019 में, और जब वो स्टेट्स के चुनाव थे उस वक्त भी हम लोगों ने देखा कि प्राइम मिनिस्टर कभी रमज़ान की बात करते हैं, कभी दिवाली की बात करते हैं, कभी शमशान की और कब्रिस्तान की बात करते हैं, कभी लिबास से लोगों को पहचानने की बात करते हैं। एक इतने ऊंचे पद पे बैठा हुआ आदमी पता नहीं क्यों इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है। लोगों के पास दिखाने के लिए काम होता है ना, वो काम की बात करते हैं। इनके पास काम नहीं है। आज रोज़गार इतना अहम मुद्दा है, मैं समझता हूँ कि सबसे अहम मुद्दा जो है और रोज़गार है, वो रोज़गार लोगों में है नहीं। आज हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक की तारीख में हम देखेंगे कि रोज़गार की जो दर है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त बढ़ी हुई है। बेरोज़गारी एकदम आम है। 20-20 लाख रुपया खर्च करने के बाद उस बच्चे को 10,000 रुपये की सैलरी नहीं। अच्छा, रोज़गार नहीं होगा तो परवरिश आने वाले दिनों में वो अपने बच्चों की, अपने समाज लोगों की परवरिश नहीं कर सकता। रोज़गार है तो वो सुनहरा हिंदुस्तान देखेगा। रोज़गार अच्छा होगा तो बच्चे को अच्छी तालीम मिलेगी, बच्चों की अच्छी परवरिश होगी और उसके इलाज के लिए उसके पास पैसे रहेंगे। लेकिन भूखमरी का ये आलम है। आज इन लोगों ने कर क्या रखा है, देखिए पूरे मुल्क का जो धन है वो सिर्फ 20-22 लोगों में, वहीं पे उन लोगों ने, इनका फोकस क्या है आज देखिए ना, अडानी के पास 44% शिपिंग, ऊर्जा, कोयला, जल, जन, जमीन, मतलब जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब उन्होंने अडानी को दे दी। और 2024 में ये जीतते हैं खुदा ना खास्ता, तो ये मैं तो समझता हूँ कि आज जो हम इंडियन अपने आप को बोलते हैं, हमको वो उस वक्त कहना पड़ेगा अडानियन है हम लोग। मोदी जी जो है नारा लगा रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, लेकिन आज एक जो कर्नाटक के सांसद है प्रज्वल रमन्ना, एक सेक्स स्कैम में उनका नाम आया है, जहाँ उनकी 100 से ज़्यादा वीडियोज आउट हुई है, और जो अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे थे मोदी जी के साथ में खड़े होकर, अब इलेक्शन के दिन ही वो भारत छोड़ के भाग गए हैं। देखिए कितने शर्म की बात है, जो प्राइम मिनिस्टर लोगों के मंगलसूत्र की हिफाजत की जमानत देता हो, उसी का प्रतिनिधि मतलब उनके साझे में रहने वाला प्रज्वा निकम उन मतलब रवन्ना, कितने मतलब सैकड़ों परिवार के लोगों की इज्जत और इस्मत से, उनके मंगलसूत्र से खेल चुका है। आज मंगलसूत्र की बात करते हैं मतलब खुलेआम लूटती जा रही, वो पहलवान बहनों का आपने देखा होगा, उनके पास भी मंगलसूत्र था, उसको किसने नीलाम किया? वो गुजरात में एक महिला बैठी हुई है जो इनके परिवार, मैं पर्सनल अटैक नहीं करता, लेकिन उसके मंगलसूत्र को किसने दागदार किया? कौन जवाब देगा उस? क्या वो इंसान नहीं है वो उनकी वो? और जितने मतलब रेपिस्ट आप देखेंगे बीजेपी में, जितने रेप हुए, जितनी बलात्कार हुए, उनके मंगलसूत्र की कौन जवाबदारी लेगा? उनकी हिफाजत कौन करेगा? उनका महाफिज कौन बनेगा? आप ना हिफाजत कर सकते ना महाफिज बन सकते हैं। आपका सिर्फ 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि किसी भी तरीके से सत्ता को हासिल किया जाए, 80 और 20 के नारे लगाए जाएँ, हिंदू और मुस्लिम में नफरत पैदा की जाए, उस बुनियाद पर ये सत्ता को पाना चाहते हैं। जैसे आपने भी जैसे बात की हिंदू मुस्लिम की बात की, हम उसी मोड़ते हुए आते हैं बात को कांग्रेस के ऊपर। आज कांग्रेस ने भी देखा गया है कि एक भी मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं दी है। देखिए इसका दर्द तो हमको भी है, कांग्रेस ने मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं दी है। हमको विश्वास है राहुल गांधी के लीडरशिप पे, हमको विश्वास है कि राहुल गांधी वो कभी दूसरे दो आइनों से वो नहीं देखेंगे। एक ही आईने से तमाम, एक भारतीय है चाहे वो हिंदू है या मुसलमान हो, एक कमज़ोर है, गरीब है, मजदूर है चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सबको एक नज़रिए से देखने का काम करेंगे। लेकिन देखिए डेमोक्रेसी है ये, कांग्रेस में कोई तानाशाही नहीं है, यहाँ पर जमहूरियत है, हमारी बातों को हमको रखने का हक है। हम अगर नहीं रखेंगे तो हम अपनी कम्युनिटी से, अपनी कौम से मतलब ये मतलब गद्दारी करेंगे कि हमने अपनी बात नहीं रखी।
अच्छा, जहाँ तक नसीम खान साहब की बात है, देखिए वो सीट जो है ना, उसमें 5-6 लाख मुस्लिम वोटर्स थे, दलित वोटर्स थे, उत्तर भारतीय वोटर्स थे, एक अच्छी बात थी। और नसीम खान अगर चुन के जाते तो हमको ये यकीन था कि दिल्ली में वो अपनी बातों को, अपने लोगों की बातों को आसानी से रख सकते थे और हमारे मसाइल को आसानी से हल कर सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। आरिफ नसीम खान की आप बात कर रहे हैं तो चर्चा तो ये भी चल रही है कि आरिफ नसीम खान जी को जो सीट नहीं दी गई है, लेकिन उनको खुश करने के लिए अभी उनको मुंबई की अध्यक्षता दी जा रही है। ठीक है, मतलब देखिए कांग्रेस जो है ना वो कहीं पे भी माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगी, कहीं ना कहीं इस खाई को पूरा किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं सुन रहा था, वो संजय निरुपम जी ने ये कहा कि शिवसेना की वजह से, शिवसेना के मुखालफत की वजह से एक मुस्लिम सीट नहीं दी। इस तरीके से उत्तर मध्य मुंबई की सीट पर एक मुस्लिम नेता अपेक्षा कर रहे थे कि उनको उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, जिस तरीके से उनकी उम्मीदवारी काटी गई, मेरे पास तो ये जानकारी है कि इनकी टिकट काटने में शिवसेना उबाठा की बहुत बड़ी भूमिका है। शायद शिवसेना उबाठा ने कांग्रेस के हाईकमान के ऊपर ऐसा दबाव डाला कि उनको मुस्लिम उम्मीदवार नहीं चाहिए। आज जो संजय रावत जी ने इस बात को साफ किया कि नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, और यकीनन उद्धव जी ठाकरे जिस तरीके से चल रहे हैं माइनॉरिटी के साथ में लेकर और सारे लोगों को साथ में लेकर, वो यकीनन आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में एक इनकलाब जैसी सूरत पैदा होने वाली है। और यहाँ पर मैं आदित्य ठाकरे का वो बयान देख रहा था, जब उनसे पूछा गया कि क्या गारंटी है कि आप जीत के आने के बाद मुसलमानों का, उन बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने। पहली बात यह है कि जो बीजेपी की गारंटी है वो उसे जुमला कहते हैं, हमारी ठाकरे गारंटी है और हम मुंबई के लिए काम करते हैं। वापस मैं एक बार कहता हूँ, धर्म धर्म में हम कोई अलग नहीं देखते, सभी का साथ और सभी का विकास असली बात हम करते हैं, भाजपा गारंटी नहीं। ये मतलब इंसाफ देने वाली बात है, और ये चोर रास्तों से हुकूमत में जाने वाले लोग नहीं, अपने काम की बुनियाद पर अपनी पोजीशन चाहते। हम आप बात करते हैं दक्षिण मुंबई की, असल में दक्षिण मुंबई में देखा गया मिलिंद देवरा साहब जो कांग्रेस से एकनाथ शिंदे गुट में जो आए हैं, अभी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लोगों में घूम रहे हैं, लोगों में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि अगर मिलिंद देवरा जी को टिकट मिलती है तो जब वो कांग्रेस में थे उनके साथ के जो MLA जो कार्यकर्ता थे तो अब वो उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊँ। एक तो ये कि मिलिंद देवरा जी शिंदे गुट से लड़ रहे हैं जो मोदी जी के साथ में है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मुसलमान जो है वो मोदी की हिमायत में कभी नहीं जाएगा, या वो हिंदू या वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कभी मोदी की हिमायत में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो लोग भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की खुलेआम बात कर रहे हैं, कोई भी क्रिश्चियन सिख ईसाई या वो भारतीय जो अच्छा एक ताजिर है या वो भारतीय एक अच्छा जो स्टूडेंट है जो रोज़गार के तलाश में है, वो कभी भी मोदी जी के साथ में नहीं जाएगा, या वो बहनें जो अपने मंगलसूत्र की हिफाजत करना चाहती हैं वो बहनें कभी भी मतलब मोदी जी के साथ में नहीं जाएंगी, क्योंकि हमने देखा कि अभी वो रावणा ने, प्रज्वल रावणा ने कर्नाटक में उन पहलवान बहनों के साथ उस MP ने और दूसरे MLAs ने जो जो मतलब मंगलसूत्र की इज्जत को नीलाम करते रहे, वो कभी भी अपने मंगलसूत्र को बचाने के लिए मोदी के साथ में नहीं जाएंगे। एक सर्वे आया था जिसमें 9% लोग भारत के भारतीय वो चाहते हैं कि इस मुल्क में हिंदुत्व आए, हिंदू राज आए, 9% लोग, लेकिन अच्छी बात यह है कि 91% लोग वो कभी नहीं चाहते कि मतलब इस तरीके का कोई राज आए, यहाँ पे डेमोक्रेसी चाहते हैं, ये सांझा वरासत का मुल्क है, यहाँ पे सारे लोगों को मिलजुल कर मतलब इस मुल्क को चलाना। अभी आप देखिए बिल्किस बानो का मामला हुआ, बिल्किस बानो की हिमायत हिंदुओं ने की, मुसलमानों ने नहीं की, मुसलमान उसके दर्द में शामिल रहा, वो देखता रहा कि कौन, लेकिन चार जो बहनें आईं, एक वो बंगाल से MP है, लेफ्टिस्ट आए, औरतें वो महिलाएं आएं जो गैर मुस्लिम थी, उन्होंने उसकी मदद की, और यकीनन वो फैसला सुप्रीम कोर्ट से बिल्किस बानो के हक में आया। अच्छा, मिलिंद देवरा की दूसरी जो बातें हैं कि वो MLAs या वो नगर सेवक जो मिलिंद देवरा जी के साथ में थे, वो क्या मिलिंद देवरा के साथ में काम करेंगे? नहीं, मुझको पूरा यकीन है, मैं देख भी रहा हूँ जो पर्दे के पीछे जो मामला चल रहे हैं उसमें मैंने ऐसा देखा है, मतलब वो लोग जो कल मिलिंद देवरा के साथ में थे आज मिलिंद देवरा के साथ में रहकर जो मेहनत किए उससे 4 गुना ज़्यादा मेहनत अरविंद सावंत जी के लिए कर रहे हैं, तो मुझको ये यकीन है कि वो MLA वो नगर सेवक वो सारे लोग वो कांग्रेस के साथ मिलकर, और पता नहीं क्यों मतलब पिछली दफ़ा से ज़्यादा इस बार वो अरविंद सावंत जी के साथ लगे हुए और मेहनत कर रहे हैं। जैसे तो हमने एक वीडियो में देखा था मिलिंद देवरा जी कहते नजर आ रहे थे कि उनका जो रिश्ता है मुसलमानों के साथ बहुत पुराना रिश्ता। हमारा मकसद है, पॉलिटिक्स होता रहता है, चुनाव आते रहते हैं, लोग जीते हारते हैं वो अलग बात, लेकिन हमारे इस
हल्के के आवाम के साथ, कौम के साथ एक बहुत पुराने ताल्लुकात है, ताल्लुकात को कभी भूल नहीं सकते। इस बात की गारंटी मैं आपको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जरिए मैं आपको घर की तरह घुसता रहा है। लेकिन हमने देख रहा है कि जब रिजर्वेशन की बात की थी, लेकिन जब भी मिलिंद देवरा की चुप्पी साधी हुई थी, उन्होंने उसके ऊपर भी कभी कोई बात नहीं की। देखिए अफसोस मुझको यही होता है कि आप देखिए तीन तलाक का जो फैसला आया, राम जन्मभूमि का जो फैसला आया, वो इस्तांबुल की जो मस्जिद का जो मामला अभी हुआ 2-3-4 साल पहले, उसमें जो उनका ट्वीट आया, हमारे पास जो सेकंड लाइन की लीडरशिप थी, मुस्लिम लीडरशिप जो उनके हाथ के नीचे इधर उधर घूमती थी, उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि सर हमको मुसलमानों के वोट मिलते हैं और आप इस तरीके के जो ट्वीट कर रहे हैं वो शायद मुस्लिम लोग नाराज़ हों। लेकिन हम लोग जो है ना वो एकदम गूंगे बहरे अंधे अंधे की तरह, मतलब एक जो भेड़ की चाल चलते हैं उस तरीके से करते हैं। लेकिन अब हम इतना तप चुके हैं कि हम छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देते हैं। आज वो कल तक जो सेकुलर होने की बात करते थे, अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूँ उन लोगों से, वो जो 8-10-20-22-25 मुसलमान मिलिंद देवरा जी के साथ घूम रहे हैं, कल कोई एक ऐसा बिल आया जो मुसलमानों के खिलाफ हुआ, दलितों के खिलाफ हुआ, जिसको मोदी जी लाना चाह रहे हैं, तो क्या मिलिंद देवरा जी अगर जीत के जाते हैं तो उस बिल की मुखालफत कर सकते हैं क्या? मेरा सवाल यही था आपसे, मेरा उसकी मुखालफत कर सकते हैं क्या? बिल्कुल वो हाथ उठा के पहली सफ में खड़े रहेंगे उसकी हिमायत करने के लिए। तो हम वोट आपको दें और हमारे खिलाफ हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारें, ये कैसे मुमकिन है? आने जो इलेक्शन चल रहा है इसको देखते हुए आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मेरा तो, मैं किसी हिंदू या मुसलमान के नज़रिए से बात नहीं करूँगा, हर उस भारतीय को ये भारतीय होने का हक अदा करना पड़ेगा। कल अगर हम इसमें गाफिल होते हैं, हमने वोट नहीं दिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई, वो हर वोट देने वाला उसका मुजरिम कहलाएगा। तो वोट देना लाजिम है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ताजिर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण मतलब मंदिर का पंडित पुजारी हो, उसको वोट देना लाजिम है। अगर वो वोट नहीं देगा तो आने वाले दिनों में अपने बच्चों का मुजरिम होगा।